लॉलेसनेस है, आए दिन अपराधी किसी को भी मार के चले जा रहे हैं, कभी कोई व्यापारी का मर्डर हो जा रहा है, कभी कोई आम आदमी का मर्डर हो जा रहा है। अब तो इतना मन बढ़ गया अपराधियों का कि मेरे विधायक प्रतिनिधि का भी मर्डर कर दिया और एक दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाई। तो ये निश्चित तौर पे हमको भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि इन सारे चीज़ों पे, क्योंकि हमारी सरकार में तुरंत संज्ञान ली जाती है कोई भी चीज़ की, तो बिल्कुल तुरंत संज्ञान लेके इस आपराधिक घटना का जिम्मेदारी जो है, जो अधिकारी जिस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी फेलियर है, तो ये व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। रामगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसको ठीक करने का काम करेंगे और हमारा यही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और विश्वास भी है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो जांच है इसको NIA से जांच कराया जाए, उच्च स्तरीय जांच किया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की संलिप्तता है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार एक ही घटना बार बार आए दिन हम लोग सुनते रहें, मर्डर की घटना पतरातू में रामगढ़ में हमेशा होने का, हमेशा आप लोग भी सुनते हो। देखिए, जो क्षेत्र में कई कई लोगों से सुनने को मिलता है वही हमने बोला, तो क्षेत्र के लोग कई चीज़ बताते हैं, कई चीज़ सही रहता है, कई चीज़ सही नहीं भी रहता है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो क्षेत्र के लोग से हम सुनते थे वही हम बोले। गिरफ्तारी हुई क्या? अभी तक तो गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। मैम, आपने कहा कि आपको पता है कि कौन से लोग हैं, ये सबको जानते हैं? तो जी, सबको ही जानते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।